Hey guys, welcome back to Spill the Sass. Like you spill the beans, I spill the sass. My name is Jolly and welcome to this video that you guys have been waiting for. Okay, बहुत time लगा इस video को आने में और इस घर को बनने में, but finally it's done. I gifted a house to my parents and this is the house. I know most of you have seen the old video, which is the blue house, and I hope you like this one because this is our new house. It's a little upgrade from what we had. अगर आपने वो blue house वाला video नहीं देखा है तो please जाके देख लीजिए. I feel like I'm a little more prepared this time because you guys have been waiting for it so much. उस time के बाद से मैं थोड़ी मोटी हो चुकी हूँ, मेरे बाल थोड़े गिर चुके हैं, घर थोड़ा अच्छा है. So there's been a lot of changes. I hope you enjoy them. Let's go. Well, this is the front of the house. यहाँ पे आज भी कपड़े लटके हैं, मास्क, आजकल मास्क भी धुल रहे हैं तो वो भी है, चादरें, तौलिए. I wanted this space to be थोड़ा aesthetic, you know, बालकनी में बैठेंगे, पर यहाँ पे कपड़े और चड्डियाँ टंगते हैं तो well, क्या कर सकते हैं. खोल दीजिए हम मम्मी जी. आइए जी, डॉली सिंह, अनमोल सिंह, आइए जी, कम इन. वेल, क्लियरली मम्मी में भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया पिछली बार से, और हमारे साथ फीबी भी मौजूद है. ओके मम्मी, कैसा लग रहा है नया घर? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. हाँ जी, क्या हमारे चेहरे पे लाइट है? ओके फीबी कमिया. ओके सो दिस इज द लिविंग रूम. आई एम गोइंग टू क्विकली शो यू. एक्चुअली मम्मी को दिखाना चाहिए, मम्मी का घर है तो मम्मी आप बताइए कि आपको, आप दिखाइए सबको क्या क्या है घर में. एक साइड से शुरू करिए, आ जाइए. ये रावण है, ये रावण का भाई है. रावण और रावण के भाई नहीं लगाए हैं आपने घर में? ये श्रीलंका से आए, सब मानते हैं इनको. हाँ, ये रावण नहीं है पर ये श्रीलंका के बहुत ही ऑस्पिशियस फेसेस है. ये राजगद्दी है आपकी, बैठ जाइए. थैंक यू. इस पे बैठ के मम्मी अपने नोट छापती है. ये है हमारी सेठी, इसको आई डोंट नो और क्या बोलते हैं. दिस इज द फ्लोर बेड. और भी इसके काफी नाम होंगे. यहाँ पे पहाड़ में सेठी बोलते हैं या यूपी में सेठी बोलते हैं? सेठी, हम लोग तो सेठी बोलते हैं यार. ये मैंने अपने लिए बनवाया ताकि मैं यहाँ पे विंटर्स में आके नैप कर सकूँ और सो सकूँ और पढ़ सकूँ, जो मैं कभी करूंगी नहीं, बट वेल सोच तो सकती हूँ. ये सोफा है जो मैंने पेपर फ्राई से लिया था. बोथ द सोफाज आर फ्रॉम पेपर फ्राई. एड नहीं है, बस बता रही हूँ बिकॉज काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि कहाँ से लिया है. ये कुछ मेरा टच है बोहेमियन. ऑब्वियसली मेरी मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर पे देखा था तो मेरे पापा अपने लिए भी तोड़ के ले आए. तो अब हमने ये अपना सेंटर पीस बना लिया है. ये हमारी पुरानी टेबल है, आई एम गोइंग टू चेंज द टेबल, बट हमने ये गुड स्टोरी. ये कपड़ा मैं और अनमोल लेके आए थे कि अपनी टेबल पे दिवाली पे रख लेंगे बिकॉज हमारी टेबल, दिस वन इज द ओल्ड टेबल जो बहुत गंदी दिखती है. एंड वी बोले कि कपड़ा ले लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इसको देख लेंगे, हाफ में कट कर लेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा. तो जब हम आए तो हमने बोला मम्मी इसको हाफ में कट कर लेते हैं तो टेबल पे बिछा लेंगे. मम्मी ने बोला नहीं नहीं इसमें तो बहुत अच्छी शर्ट बन जाएगी किसी की, तो इधर आ जाओ. तो शर्ट तो इसको बर्बाद मत करो, इसको डबल करके बिछा लो और हम इसमें शर्ट बनवा लेंगे किसी और की. तो अगर कुछ टाइम बाद मेरा भाई या घर का कोई इंसान इस शर्ट में दिखे तो आपको पता है ये पहले क्या था. ये उसका अगला जन्म. ये हमारे मम्मी आजकल थोड़े प्लांट ऑब्सेस्ड है, हमको अपने पूरे घर में पौधे चाहिए हैं. तो मम्मी मेरा देख के चीटिंग करी हो ना? हाँ. That is the mirror which is very cute. I really like it. Okay, mummy, ये क्या है यहाँ पे बताइए? ये हिरन है. ये हिरन है, ऐसे थोड़ी बताते हैं, आराम से थोड़ा ऐसे. ये हिरन है, इस पे अलग अलग कलर है और ऐसे कुछ करके अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए. अच्छा जी, ये हिरन है, इससे राजस्थान से आया है, राजस्थान के जंगलों से आया है, बीहर से. बीहर से. इसके ऊपर पेंट किसने किया है? ये तो भाई किया होगा जिन्होंने बनाया है, उसने किया होगा. ओके और वो फूल? ये फूल दिल्ली के जंगल से आए हैं. दिल्ली के जंगल से, अच्छा. और वो बांस? ये भी कहीं मिल गया होगा चौराहे में. अच्छा, पड़ा हुआ मिला है, ठीक है. और ये हमारे दो प्लांटर्स हैं जो जिसमें अभी पौधे नहीं है, तो खाली खाली प्लांटर्स रखे हुए हैं कोने में, बट अभी इसमें जल्द ही पौधे आ जाएंगे तो हम उनको ले आएंगे. फीबी कम हियर. ये हमारा एक बहुत ही ओल्ड स्कूल, पुराना कारपेट है ना ये? हाँ, ये घर लेने से पहले कारपेट 6 साल पहले लेके रखा था कारपेट बोलने और अनमोल के पापा ने. क्योंकि बड़ा हो गया था उस घर के लिए. बड़ा हो गया था तो ये एक्चुअली मैनिफेस्टेशन था कि कभी हम इतना बड़ा घर लेंगे तो कारपेट अभी से ले लो.
these are some paintings from Jaipur. These artworks is Radha and Krishna are also from Jaipur. Not an ad guys, क्योंकि मैंने सब खरीदा है बड़ा ढूंढ ढूंढ के डिस्काउंट ले लेके और बहुत मेहनत से चीजें जोड़ी हैं. सो प्लीज एड नहीं है, थोड़ा देख के ले लेना अगर लेने का मन करेगा तो. चलो मम्मी अंदर चलते हैं. अच्छा वॉशरूम, इस बार हमारे घर में दो वॉशरूम है. फीबी गिव द हाउस, ये बाथरूम टूर दे दो. चलो फीबी जैसे दिखा रही है ये कमोड है जिसे वो चाट रही है. स्टॉप इट एंड आप जा सकते हैं अंदर. यहाँ पे येलो टाइल्स हैं, कबर्ड है, वो सब कुछ है जो पहले वॉशरूम में नहीं था. स्वीट लिटिल गेस्ट वॉशरूम. और एक्चुअली ये वो वॉशरूम है जहाँ पे वेस्टर्न पॉट है एंड अंदर वाले में इंडियन पॉट है बिकॉज फॉर माय फैमिली प्रेशर इंडियन में ही बनता है. तो एक इंडियन टॉयलेट है और एक वेस्टर्न टॉयलेट है. सबका बैलेंस बना रहना चाहिए लाइफ में. अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आ जाना. ये टीवी मेरे माँ बाप ने मुझे बोला कि प्लीज हमारे लिए टीवी ले लो अच्छा सा. मैंने कहा कौन सा क्या कौन सा टीवी ले सकती हूँ. चाइनीज मत लेना. तो इसलिए ये काफी महंगा टीवी मैंने लिया है पर इट्स अ नाइस टीवी. और ये यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं. अब आजकल की रियलिटी यहाँ पे है. ये सैनिटाइजर और मास्क और कुछ कुछ रखा हुआ है कि अगर कोई आए तो उसको कर सकें. दिस इज अ नाइस टेबल जो मैंने बनवाया. मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इन दिस हाउस सीट ही कवर्ड सब कुछ लोकली मेड है. सब कुछ आसपास के लोगों से ही बनवाए हैं. रेफरेंस दे देके मैं उनको पिंटरेस्ट से फोटोज निकाल निकाल के भेजती थी और बोलती थी प्लीज भैया ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, डांटती थी और वो उन्होंने वैसे बनाया है. सो विच इज ग्रेट बट या लेट्स मूव. ये देख लीजिए, दिस इज द सोफा. दिस इज अनदर सोफा विच आई रियली लाइक. इस एक अभी भी हमारी इसमें जान है. इसे प्लास्टिक नहीं निकाले गए, वेरी मिडिल क्लास. प्लीज प्लास्टिक तब तक ना निकालें जब तक वो खुद फट के ना निकल आए, ये मेरा मानना है. ये भी कवर्ड है. पहले मम्मी ने खोला और फिर खोलते ही मम्मी लाइक नहीं 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 दिखा सकते. ये भी कवर्ड है इस तरह. अच्छा नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, बहुत कचरा है. एक्चुअली गाइस आई मस्ट टेल यू, अब हमारे पास कवर्ड स्पेस बहुत ज्यादा है बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि उस कवर्ड स्पेस के साथ करना क्या है. तो मेरे पेरेंट्स ने अंदर वाले रूम में इस वैनिटी के अंदर, मिरर के अंदर वाले स्पेस पे जहाँ आपको अपने कॉस्मेटिक्स वैनिटी का सामान रखना होता है वहां पे अपने कपड़े रखे हैं और बाकी में कचरा मतलब चादर कुछ भी बड़ी चीजें जो होती हैं जैकेट्स ये वो सब वहां रखी हुई हैं. ये है हमारी घर की डॉग. बट या दिस इज अ वेरी नाइस वाइट कबर्ड वी गॉट मेड. दोनों रूम्स में सेम है. ये कुछ तस्वीरें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं हर घर में होती हैं कुछ इस टाइप की एम्बैरेसिंग फोटोज. और एक वैसलीन का एलोवेरा जेल और मेरे भाई का फेयर एंड हैंडसम. और ये कुछ ट्रॉफीज हैं कुछ. और ये मेरे पापा की बॉम्बे शेविंग कंपनी का एक डिब्बा मैंने इनको एक बार दिया था. वो डिब्बा आज तक यही है क्योंकि उनपे उनकी फोटो है. तो मैंने कितने बार कहा कि प्लीज ये डिब्बा काट के फोटो बना लो पर नहीं, उनको पूरा डिब्बा रखना है तो वो वैसा का वैसा ही रखा है. ये यहाँ पे एक पौधा रखा हुआ है लाइक आई सेड ऑब्सेस्ड विद प्लांट्स. कड़ी पत्ते का है, कड़ी बनाते हैं हम उसमें डालते हैं इसमें से तोड़ के. अभी थोड़ी ना. अभी ये छोटा है इसके लिए हम प्लांटर ढूंढ रहे हैं ताकि हम इसको पॉट कर सकें. वहां पे भी एक प्लांट है जैसा कि आप देख सकते हैं. ये बिस्तर हमने बनवाया है और इस पे एक मोटा गद्दा है. ये आप ध्यान रखिएगा इस पे मोटा गद्दा है. ठीक है मम्मी साथ साथ रहो यार, आपको देखना चाहते हैं लोग, मुझे नहीं देखना चाहते. ठीक है. और ये एक हिरन है छोटा सा जो हमने लगवाया है. दिखाइए दिखाइए. ऑलराइट दिस इज एक्चुअली माय फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस. मम्मी भी खड़ी होगी पोज कर रहे हैं तो आई रियली लाइक इट. ये जयपुर से लिया है इनकी से वर्निंग अ लिल एक्सपेंसिव बट मुझे इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी लगी. और मुझे लगा कि ये ब्लू वॉल पे किचन की जो डोर, क्योंकि हमारे पास डोर नहीं है किचन का तो उसके साथ ये अच्छा लगेगा. मेरे दिमाग में एक इज इट कोरोना. तो ये हमने सजाया हुआ है विच आई रियली लाइक. दिस इज द किचन. नाउ लेट मी टेक यू देयर. फर्स्ट वन थिंग आई वांट टू शो इज द फ्लोर टाइल्स जो मेरी माँ ने चटाई से पूरी ढक दी है बट मैं दिखाना चाहूंगी. ये देखिए
आज अपना किचन तो दिखाओ यार। इस किचन में भी उतनी सफाई है जितनी लास्ट किचन में थी, जस्ट एफवाई है। पता ही क्या क्या कहाँ कहाँ आपने क्या क्या बनवाया है? हमने सभी बनवाया है। यहाँ हमारा आरओ है, यहाँ हमारा ये नमकीन बिस्किट है, नमकीन बिस्किट ये सब बनवाया है। ओके, यहाँ दालें हैं, दालें हैं, इधर क्रॉकरी रखी है, क्रॉकरी रखी है, ये हमारी चिमनी है, चिमनी है जो ऐसी चल जाती है, पर अभी चली नहीं गुगली ऐसे चलती है। फैंसी कैसे, फिर से दिखाओ। ये भी अलमारी है ओके, ये भी है, अच्छा ऊपर भी अलमारी है। सामान बहुत है हमारे घर, कबाड़ बहुत, कबाड़ नहीं है, अच्छा सामान, ये सामान है सब, अच्छा। सो बेसिकली वी हैव अ लॉट मोर स्पेस इन द किचन नाउ, किचन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा सुंदर हो गया है, हाँ है ना। और हमारे पास ये नया चूल्हा भी आ गया है जो ऐसे वाला, हाँ है, इसके ऊपर वो नहीं लगता, क्या कहते हैं, जो ऊपर नहीं उठा होता, चाल वाला चूल्हा लिया है हमने। हाँ जी, पहले मम्मी बोल रही थी कि इतना चार वाले का क्या करेंगे, इतना खाना थोड़ी बनाती हूँ। आपको क्या लगता है कि चार वाला सही था? बहुत अच्छा किया सही किया ना, गुड डिसीजन। बट लाइक लास्ट टाइम कैलेंडर तो घर में होना ही है, अब फोन वोन में कैलेंडर आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक्चुअल कैलेंडर तो इंडियन हाउस होल्ड में रहता ही रहता है। ये एक और कवर्ड है जो बहुत स्वीट तरीके से खुलता है, बट मैं खोलूंगी नहीं, बट खोल दे, अच्छा नई रजाइयां ली है ना, इसलिए दिखा रही हूँ, कोशिश ही कर रही है। बट यहाँ पे सारी रजाइयां रहती हैं, ये बड़ा सा कबर्ड है। मम्मी श्रीलंका गई है तीन बार, मम्मी तीन बार श्रीलंका गई है, इसलिए सिर्फ श्रीलंका के मम्मी ने फ्रिज मैग्नेट्स लगवाए हैं। कैसा लगा श्रीलंका? मेरी बेटी गई है, मैं नहीं गई, लेकिन वो लेके आई है, मैं नहीं गई, मैंने तो श्रीलंका देखी नहीं, किधर वो है जाना है, नहीं मैंने तो रामेश्वर जाना, मैं नहीं जाना श्रीलंका। This is the fridge. इसमें कुछ देखने लायक नहीं है, वैसे ये पुराना वाला ही है। अच्छा मम्मी अपना मंदिर तो दिखा। By the way, my mom has a new iPhone. Light out. मम्मी आपका iPhone? नहीं। Hello. Light. Hello. It's a light. अच्छा जूते बाहर उतारिए डोली सी। चलिए मंदिर से मिलवाते हैं, लाइट जला दो मंदिर की। वैसे ही लग अच्छी लग रही थी। कैमरा मैंने बोला वैसे ही चल रहा था, मूड लाइटिंग। बताइए क्या क्या आपने नया किया इस बार मंदिर में? नया तो मंदिर नया बना, भगवान तो वही है जो थे पहले। फीमी भी आ गई। तो इस बार ये मंदिर नया बनाया है, ऑब्वियसली देयर इज मोर स्पेस, थोड़ा खड़े होने की जगह है इस बार हमारे पास। ठाकुर जी हमारे सेम ही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले ही हैं ठाकुर। ठाकुर जी आप बताइए आपको कैसा लग रहा है इस नए घर में आके? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है ठाकुर जी बताइए आपको? यहाँ पे दूसरे दो दो वॉशरूम में नहाने में कैसा मजा आता है? वैसे ठाकुर जी बाथरूम में नहीं नहाते, किचन में नहाते हैं। ठाकुर जी का बाथरूम किचन में है। ठाकुर जी बोलिए क्या बोलना चाहेंगे आप? ठाकुर जी नो कमेंट्स। आजकल का जर्नलिज्म देख के ठाकुर जी ने डिसाइड किया कि वो जर्नलिस्ट से बात नहीं करना चाहते। हनुमान जी नए हैं। ये अच्छा, ये तो दीवार में ही है। भोले बाबा है नए। हाँ, ये दीवार की टाइलों में ही भगवान को लगा दिया गया इस बार, ताकि वो कहीं भागे ना। हाँ। क्योंकि कई बार भगवान रुक जाते हैं, भाग जाते हैं। और अब इस बार आप खाना वाना नहीं रखा इस बार भगवान के सामने? रखा तो भूखे मारते हैं, खाना उठा के तुमने खाया तो सॉरी भगवान का खाना खाया। बट या दिस इज द मंदिर। अच्छा ये दिखा रही मम्मी, ये बहुत अच्छा इनका वो है, ये इनकी डाइनिंग टेबल है भगवान जी की, इसपे भगवान जी खाना खाते हैं। मेरी भी शक्ल दिखा दीजिए प्लीज। इसमें भगवान जी खाना खाते हैं, इनका यहाँ पे डाइनिंग टेबल है। हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं है, पर भगवान के पास है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अगर भगवान को खुश करना है तो उन्हें डाइनिंग टेबल एक जरूर दीजिए लेके। और बाकी हमारे पंडित जी ने हमें बोला था कि मंदिर के जो कबर्ड है उनको आप लाल करवाइएगा, और मेरे काफी मना करने के बावजूद ये लाल हुए हैं, तो अब आप देख सकते हैं ये सुंदर है या नहीं, ये आप ही बताइएगा। साइड टेबल इज इनकम्प्लीट अगर वहां पे दवाइयां ना हो, किसी का चश्मा ना हो, एक पेन ना हो, अगर वहां पे टूथपिक ना हो, अगर वहां पे कोई लिस्ट ना पड़ी हो, अगर रबर बैंड ना हो, चश्मे ना हो, बस क्या कर सकते हैं। साइड टेबल को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए।
दिस इज द मास्टर बेडरूम, बट एक गलती यहाँ पे ये है कि मेरे माँ बाप को मास्टर बेडरूम में सोने में नहीं मजा आता है, उनको बीच वाले कमरे में सोना है क्योंकि वहां पे किचन है और वहां पे मंदिर है, उनको बड़ा घर मिल गया है पर उनको आदत और खुशी आज भी छोटी जगह में रहने में ही आती है, है मम्मी? हाँ जी हाँ जी, वो रह ही नहीं पाते हैं कि हम तो बीच में ही सोते हैं गेस्ट बेडरूम में। पर खैर अब ये मास्टर बेडरूम है या गेस्ट बेडरूम वो तो भगवान ही जाने, पर मैं दिखा देती हूँ, आइए चलिए। सेम आउटलुक एज द लास्ट रूम, वही कवर्ड, ये मैंने मम्मी को जग भेजा था यूज करने के लिए, मम्मी ने शोपीस की तरह यहाँ पे सजाया हुआ है, और ये मेरे पिताश्री, ये मेरे भाई के 5 रुपए जो मैं मारने वाली हूँ। और ये जहाँ कुछ सामान रखा गया है, एलोवेरा जेल, ये इतने सारे प्रोडक्ट्स मेरे माँ बाप यूज करते हैं अपने फेस पे, इतने महंगे, कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल, डेटॉल, और ये क्या, ये भी आप फेस पे यूज करती हैं? इसीलिए आपका चेहरा चमक रहा है इतना, इससे सीसा, अच्छा फेस चमके इसलिए सीसा चमकाया जाता है। बट लाइक आई सेड, यहाँ पे मेरे मामा के कपड़े रहते हैं, पूरी दुनिया ने देख लिया है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, आजकल मैं और मेरे भाई घर आए हैं तो हमारे कार्डबोर्ड और ये वो सामान जो लेके जाना है, ये है हमारा बिस्तर। अब इस पे आप देखिए, जैसे मैंने बोला था ये गद्दा है इतना पतला, ये रुई का गद्दा है, आपकी बैठी मम्मी, आपका फेवरेट गद्दा है ये? हाँ जी हाँ जी, मेरा फेवरेट। ये मेरे माँ बाप ने बनाया है क्योंकि उनकी कमर में दर्द रहता है तो इस वजह से, ताकि उनको कम्फर्टेबल हो, तो ये गद्दा बनाया गया है। जैसा कि आप दरवाजे भी देख सकते हैं, वही हाल है जो पुराने घर में था। इस मामले में मैं कुछ चेंज नहीं कर पाई हूँ, मैंने 1000 हैंगर लगाने के लिए रैक बनवाए हैं, पर कपड़े यहीं टंगेंगे, पहले तुम्हारा सामान मंदिर यहीं बनेगा और कपड़े यहीं टंगेंगे, समझिए आप, मंदिर बन के रहेगा। एक लगाया था मेरे पापा ने, मैंने बोला प्लीज मत लगाइए, अब उन्होंने एक और लगवा लिया है, आज ही लगाया, आज ही लगाया, आज ही लगाया, और यहाँ पे इतने सारे, वैसे ये कपड़े मेरे हैं, मैं सॉरी, पर ये है द ग्रीन रूम। एक्चुअली मैंने सारी वॉल्स को अलग अलग कलर से करवाया है, द फर्स्ट वॉल इज ग्रे, देन देयर इज ब्लू, एंड देन देयर इज ग्रीन, 3 ऑफ माय रियली फेवरेट कलर्स, एंड दिस इज द मास्टर वॉशरूम। वॉशरूम तो दिखा दो, आवाज बड़ी है, को करिए, दिस इज द एल शेप्ड वॉशरूम वी हैव, एल शेप्ड। तो यहाँ पे है इंडियन सीट, जहाँ पे अच्छा प्रेशर बनता है, इनकेस यूर कॉन्स्टिपेटेड, लाइक आई सेड, प्लीज आए, हमारी सुविधाओं का इस्तेमाल करें। आजकल मम्मी और पापा खड़े होके पोछा लगाते हैं, कैसा लग रहा है जमीन पे ऐसे घिसने की जगह ऐसे करके? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है। हाँ जी थैंक यू। अगर आपके माँ बाप बुढ़े हैं तो उन्हें भी प्लीज ये दीजिएगा। खुद भी ले सकते हैं। दिस इज द वॉशिंग मशीन, मेरा भाई पीछे गिरने वाला है। ये वॉशिंग मशीन है, अगेन द सेम काइंड ऑफ कबर्ड एंड बेसिन, शावर एरिया, हमने ऊपर टंकी लगवाई है, पर मेरे को बताया गया है पापा ने इस बार जो मैंने शावर लगवाया है, ये सोच के कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अपने घर में शावर लूंगी, हमारे घर में कभी शावर नहीं होता था, पापा ने बताया है कि टंकी में इतना प्रेशर ही नहीं बनता कि शावर से पानी आ पाए, तो वो सपने तो चकनाचूर हो गए, बट ये शोपीस भी अच्छा है। ओके गाइज, ये था मेरा हाउस टूर, ऑब्वियसली ये अब चेंज हो गया है, इस वो जो ब्लू हाउस की जो एक इनोसेंस थी और एक वो सच्चाई थी, वो ऑब्वियसली इस घर में नहीं है, अब इसको मैंने सजा दिया है, अपने तरीके से बनाया है, ऑब्वियसली बड़ा घर है, अच्छा है, तो वो है, बट एक मेरा एक सपना पूरा हुआ है, जो जिस बात की मुझे बहुत खुशी है। बचपन से मैं सोचती थी कि अपने माँ बाप को एक घर दूंगी, बीच में लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा, अब तो शादी वादी करनी है, चले जाएंगे, क्या ही फायदा, बट वो सपना फाइनली पूरा हुआ है, तो उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। अभी भी हम लोग को आदत नहीं हुई है एक्चुअली बड़े घर में रहने की, हम अभी भी सारे एक ही रूम में पड़े रहते हैं। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है मेरे घर में आके? अच्छा लग रहा है। पुराना वाला घर याद आता है? हाँ वो भी याद आता है, उसमें भी 10 साल रहे। एक्चुअली मैं अभी परसों वहाँ पे उस घर में गई थी, हमारे घर काफी पास में ही है वो वाला घर भी अभी, एंड दिवाली पे वहाँ कैंडल जलाने में गई थी रात को, और मैंने खिड़की से झांका, एक्चुअली मैंने उस घर को गुड बाय नहीं बोला, जब मम्मी रूम में शिफ्ट किया तो अचानक से शिफ्ट कर लिया जब हम लोग दिल्ली में थे, पर मैंने उसको गुड बाय नहीं बोला था, जब मैं खिड़की से उस घर को वापस देख रही थी अंदर, तो बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि यार याद आ रहा है ये घर भी, तो हाँ आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव अ हाउस, बहुत मतलब अजीब सा लगता है जब किसी घर को अचानक से छोड़ के आ जाते हैं, तो
थैंक यू फॉर गिविंग दिस अल्टीमेट फुटेज फीवी बट या इट फील्स नाइस एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से अ बिग थैंक यू. आपकी वजह से ये घर हम लोग ले पाए हैं, आपके प्यार की वजह से. जिन लोगों ने इतना प्यार दिखाया था उस ब्लू हाउस को, इट्स बिकॉज ऑफ यू पीपल दैट आई एम इन दिस हाउस नाउ एंड आई होप यू लाइक इट. और जो भी लड़कियां हैं स्पेशली हु ड्रीम ऑफ गिविंग अ हाउस टू देयर पेरेंट्स, प्लीज नो दैट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, कर सकते हैं. एंड अगर करना चाहें तो प्लीज किसी को ये मत बोलने देना कि अरे तुम्हें तो शादी करके सिर्फ जाना है, तुम क्या करोगी, अपने सपने पूरे करिए. इवन इफ इट्स नॉट टू यू नो गिव अ हाउस टू योर पेरेंट्स, जो भी आपके सपने हैं वो पूरा करिए. आप कुछ कहना चाहेंगी मम्मी लड़कियों के लिए? क्या कहूँ, बहुत अच्छा किया है. लड़कियां सबकी प्यारी होती हैं और मतलब उनको पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए. उनको कभी शादी का बोझ डालना ही नहीं चाहिए, जब वो करना चाहे तभी करनी चाहिए. मैं तो करूँगी जब 50 की हो जाऊंगी. बट थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. मेरा हार्ट फेल्ट थैंक यू है ये, रियली आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मतलब तुम लोगों के प्यार से ही मिला है और इसको मैं नकार नहीं सकती. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. बाय, आई सी यू नेक्स्ट टाइम. प्लीज जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. क्या करना मम्मी? लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब प्लीज. राम राम जी.